अनुपम जी, आप खुद बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और आपने मनमोहन जी को पोर्ट्रेट किया है, तो इस फिल्म को करने के बाद मनमोहन जी को लेके आपकी सोच पहले क्या थी और इस फिल्म को करने के बाद कितना बदली? मैं चाहूँगा कि मनमोहन जी सोचें कि उनकी पहले सोच मेरे बारे में क्या थी और अब क्या होगी पिक्चर देखने के बाद. आई थिंक दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, उनकी क्या सोच है. समटाइम्स आई वुड लाइक दिस क्वेश्चन टू बी आंसर्ड बाय द फिल्म दैट यू विल सी, बिकॉज a professional actor does not mix his feeling as a person with his profession. I'm not an actor by fluke. I worked very hard. I'm a 4 years acting diploma student. I run an acting school. I've done so much of work. So when you come to work, you shut out every other thing. But yes, of course, once you go through the whole thing, you will discover that in the film. लेकिन आपने कहा ठीक है आप मिक्स नहीं करते, लेकिन एक कश्मीर मसले की भी बात फिल्म में उठाई गई है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई कोई गवर्नमेंट इस मसले को हल कर सकती है और कांग्रेस इसमें सोचती थी? नहीं नहीं, अब आपके जो सवालात हैं वो फिल्म से जुड़े हुए नहीं है, तो लेट्स आंसर एंड हैव अ क्वेश्चंस फ्रॉम व्हिच इज रिलेटेड टू द फिल्म विद व्हाट यू सॉ, बिकॉज इसके बारे में हम बाद में भी डिस्कशन कर सकते हैं. बिकॉज लेट्स नॉट डिविएट फ्रॉम इट, वी वर्क वेरी हार्ड फॉर 1.5 years. We've really, really worked hard, and I think it's very important to treat this film as a film. That's very important. There was a question coming from that lady also, ma'am. Yes. I'll bring the mic to you. Wait. Sir, Anugya Desai, Gujarat Mitra Daily se. Aapki film us waqt aa rahi hai jab Congress ne already 3 states mein apni jeet बना ली है, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष आपकी फिल्म का इस्तेमाल करेगा सत्ताधारी पक्ष को हराने के लिए? मैं पॉलिटिक्स में होता तो ज़रूर ऐसा बोलता उनको करने के लिए, बट आई एम एन एक्टर, आई थिंक दे विल डिसाइड. वी डिड नॉट स्टार्ट द फिल्म थिंकिंग कि आगे जाके ऐसा पॉलिटिकल सिनेरियो बनने वाला है. इट्स अ पॉलिटिकल फिल्म बेस्ड ऑन ए बुक. वॉट एवर द बुक हैज सेड, वी हैव ट्राइड एंड मेक दैट फिल्म. सर, आप और परेश रावल सर दोनों मजे हुए कलाकार हैं, दोनों थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, वो पीएम नरेंद्र मोदी जी की बायोपिक कर रहे हैं और आप हमारे फॉर्मर जी प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो अर्थशास्त्री है, आप उनकी भूमिका निभा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऑडियंस आप दोनों के बीच कंपेरिजन करेगी? नहीं, आई डोंट थिंक, मतलब अच्छा काम करेंगे तो अच्छी अच्छी तारीफ होगी, नहीं करेंगे तो बुराई करेंगे. Paresh is a brilliant actor. I'm sure he will do it it very well. I think when jab picture insaan dekhta hai, movie dekhta hai andhere kamre mein, to he does not think ki ye us jagah ka hai, ye us jagah ka, ye theater ka. He relates to the story, and I think people will relate to this story. Anupam sir, trailer bahut acha hai jis tarike se. Thank God. Pehli baat to yahi mere ek chacha ji the. Sorry, ye kissa sunana bahut zaruri hai. Wo jab bhi shuruaat karte the kisi sentence ki bolte the, wo dusri baat kya hai na, तो हम बच्चे सोचते थे पहली बात क्या थी, ये पहली बात होनी चाहिए थी कि ट्रेलर बहुत अच्छा है. थैंक यू मैम. आप एक्टर भी हैं, सांसद भी हैं, और जिस वक्त ये मैं सांसद नहीं हूँ, मेरी बीवी सांसद है. क्या बात कर रहे हो, डरा रहे हो अब तो यार. हमें नहीं पता सर. लेकिन आपका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल व्यू बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, हर जगह पे आप रखते हैं, कहीं ना कहीं आपके जो व्यूज है वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, और ये जो मूवी आ रही है वो बिफोर इलेक्शन आ रही है, और जिस तरीके से फिल्म में दिखाया गया है, कहीं ना कहीं ये दिखाया गया है कि राहुल गांधी को पीएम की पोस्ट पर लाने के लिए सोनिया गांधी कितनी मेहनत कर रही है. वो हर जगह पर मनमोहन सिंह को दबाती गई हैं, उनकी सोच को, उनके हर काम को. तो क्या ये इलेक्शन के पहले मूवी आना बीजेपी को सपोर्ट करता है? आई डोंट नो, दिस इज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एन इंटरप्रिटेशन. आई टोल्ड यू, जब मैंने फिल्म की थी तो मैंने पहला रिएक्शन मेरा था कि मैं फिल्म नहीं करना चाहता. फिर एक दिन उनकी चाल देख के मुझे लगा कि ये मुझे फिल्म करनी चाहिए. ये इंटरप्रिटेशंस तो आती रहेंगी, मैं इसका कोई भी जवाब दे दूं, आप उसका अपना इंटरप्रिटेशन निकालेंगी. ऑफकोर्स लोग देशभक्ति की फिल्में 15 अगस्त और 26 जनवरी को रिलीज़ करते हैं. ये पॉलिटिकल फिल्म है, वी वुड लाइक टू रिलीज इट इन द पॉलिटिकल इन द इलेक्शन टाइम. व्हाई नॉट, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दैट? आई थिंक वी वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड. वी आर वेरी प्राउड विद द प्रोडक्ट. वॉट एवर आई मीन से मे नॉट be agreed upon, because people would want to view it as a political film, me supporting. I have always supported my country. If that goes in favor of any particular party, that's a different issue. When people, unfortunately in our country,
The moment you speak about the country, people think that you have political ambitions. But I don't have to have political ambition to talk about my country. आजकल ये भी फैशनेबल हो गया है कि आप कंट्री के बारे में बोलते हैं कि अरे यार ये तो भागता है या तो बिका हुआ है या ये फिर इधर इस पार्टी का उस पार्टी का. मैं देश के बारे में बोलने के लिए मुझे पूरा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और मैं बोलना चाहूँगा, डंके की चोट पे बोलना चाहूँगा. अनुपम जी, शिवांगी दिस साइड फ्रॉम आज तक, अभी और इसमें भी मनमोहन सिंह बोलते हैं कि क्या मैं बिका हुआ हूँ. जब उनको एक जर्नलिस्ट उनसे सवाल पूछती है कि आप कहते हैं कि मैं बिका हूँ, आई थिंक ही व्हाट कम्स अक्रॉस इन द फिल्म इज द डॉक्टर मनमोहन सिंह इज is a very big patriotic person. Yes, Anupam ji, this side, Shivangi here. Haan ji. Yes, yeah. Hi. Jaisa ki aapne kaha, desh mein jise jo marzi hota hai wo bol jata hai ya fir sabhi ko baat karne ki yahan par puri azadi hai, but haal hi mein humne dekha tha jaise Nasiruddin Shah ne baat ki aur us par aapne jawab diya. Nasiruddin Shah ka jawab aaya hai aur unhone kaha hai, jab unse ye pucha gaya ki kya Anupam Kher ne jo kaha hai usse आप दोनों के ख्यालात मिलते हैं, तो पहले उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम दोनों के ख्यालात बिल्कुल अलग हैं. और दूसरा पूछा गया कि वो आपके बड़े करीबी दोस्त हैं, क्या आप उनसे संवाद साधेंगे, बातचीत करेंगे, तो उन्होंने सीधा कह दिया कि ही डजंट टॉक रीजनेबली. इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो मेरे सीनियर हैं, उनको पूरा हक है, दैट्स हिज इंटरप्रिटेशन, आई लव हिम फॉर हिम. मुझे तो एक ही विजुअल याद है इस शहर में कि हम दोनों, वो मेरे से पहले आए थे और एस्टेब्लिश्ड हो गए थे, पर जब मैंने पहली बार गाड़ी खरीदी, मेरे को पहली एक ही गाड़ी का नंबर याद है जो पहली गाड़ी थी, क्योंकि उससे पहले ना मेरे पास साइकिल थी, ना मोटरसाइकिल थी, ना कुछ था. MAP 5068, महबूब स्टूडियो के पास मेरी गाड़ी क्रॉस हुई और उनकी गाड़ी क्रॉस हुई, और उन्होंने मुझे देख के कहा ये कि तूने भी गाड़ी खरीद ली. आई थिंक फॉर मी दैट मोमेंट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट. बाकी तो जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती जाती है, एक दूसरे को, उनको भी हक है कि नहीं है मेरे विचारों से सहमत होना. बट आई थिंक आई लव हिम एंड आई थिंक ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल एक्टर एंड माई सीनियर. आई डोंट वॉन्ट टू मेक, इफ आई हैव टू से एनी थिंग टू हिम, आई पिक अप द फोन और गो टू हिज हाउस एंड से कि आओ झगड़ा कर लेते हैं या गले लग जाते हैं. बट इसकी बात मैं थ्रू प्रेस इसको नहीं बात करना चाहूँगा. अनुपम जी, दिस इज अक्षत त्यागी फ्रॉम अमर उजाला. पहलाज नानी जी ने कहा था कि आपको इस फिल्म को रिलीज़ करने से पहले परमिशन लेनी चाहिए मनमोहन सिंह जी से और राहुल गांधी जी से, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? और आप खुद भी CBFC के चेयरपर्सन थे, तो क्या लगता है आपको कि दर्शकों का इस पे इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा, और क्या आपको क्या लगा इस ट्रेलर देख के? बताओ, सच्ची बताना, तुमको अपनी मम्मी की कसम है, सच्ची बताओ क्या लगा? मैं बाद में बताऊंगा, मैं लिख के बताऊंगा, बाद में आपको पता चल जाएगा. तो मैं भी लिख के जवाब दे दूंगा. कैसा लगा? अरे क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा, किसी ने आज पहले उनका सवाल ले लें जिन्होंने ट्रेलर देखा है. नहीं, क्यों? पर क्यों? पर ट्रेलर में आप लेट क्यों हो गई, पहले ये बताइए. नहीं, लेट क्यों हैं आप ट्रेलर में? नहीं, पहले बताओ. नहीं, मैं क्यों आपके सवाल का? नहीं, आप ट्रेलर में लेट आई हैं, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन. नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आपने हमारा ट्रेलर नहीं देखा, हमने डेढ़ साल से मेहनत की है, आप 15 मिनट लेट आई हैं हमारे, और फिर कह रही हैं सवाल भी आपके जवाब दूँ. ऐसा कैसे हो? ऐसे नहीं होता ना, मेरे चेहरे पर थोड़ा लिखा है. अनुपम जी, अनुपम जी, यस, हाँ जी, दसो जी, क्या हाल चाल है? बहुत बहुत मुबारक, आई लाइक इट वेरी मच. फैंटास्टिक, वेरी गुड. अच्छा, किसी फिल्म के अंदर जब कोई किरदार निभाता, कैरेक्टर के अंदर आने से पहले और उसके अंदर बाहर निकलने के लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के बारे में जरा आप बताना चाहेंगे? थैंक यू जी पन्नू साहब, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. आई थिंक वॉट केम अक्रॉस बिटवीन, दिस इज अ लव स्टोरी अकॉर्डिंग टू मी बिटवीन संजय बारू एंड मनमोहन सिंह. दिस इज द फिल्म. Once you see the film, this is what will come across. Our relationship, that means Sanjay Baru's and Manmohan Singh Ji's relationship, is the film. Rest of is it that ab Titanic ke against wo love story bani thi ya Pearl Harbor ke against love story bani thi. This is a us prishthbhumi mein 2004 se lekar 2014 ke beech mein Sanjay Baru, jo unke media advisor the, unki aur Prime Minister ki kahani hai ye. Basically, and I think what we did was, we, as I said, we lived in a secluded place, bahut dur London, England mein.
we bonded. I think मैं अक्षय के साथ बहुत दो फिल्में की हैं, but जो प्यार इस पूरी फिल्म में इनके प्रति मेरे मन में जागा है, वो अगर कोई और फिल्म करते तो शायद नहीं जागता. The mutual understanding, the mutual love, the relationship that we three will share for the rest of our lives, whatever the fate of our careers or our life will be, I think that will the credit for that goes to this film. It was a difficult film, and जैसे-जैसे फिल्म की नज़दीक आती जाएगी पूरा प्रोसेस बताऊंगा. मैंने तो रिकॉर्ड भी किया सारा, कैसे तैयारी की है, फर्स्ट स्टेप क्या थी, पहले आवाज़ में कैसे बात होती थी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा जैसे देश में जो प्लेयर की बात हो रही है वो हमको यहाँ करनी चाहिए या नहीं. आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू आंसर दीज क्वेश्चंस विच आर पोलिटिकली being asked. I think what we should talk about is the brilliance and the hard work that we have gone into while making this film. Thank you very much. Next question. Yeah, hello. Aarti ji aa gayi hain. Haan ji. Here I am. Akshay, this is for you. Did I know you were told not to look like Sanjay Baru, but for this romantic film, did you meet Sanjay Baru? I haven't met him as yet. Vijay didn't want me to meet him at all. He was very clear on that. He had his own very specific vision of what he wanted me to do. And you'll see that in the film. Have you read the book? I've read the book twice. And Anupam, for you. How you went straight from here to New Amsterdam. What was it like, the switch? Oh, I went through the whole roller coaster of it. I think one of the reasons that I was very focused that I had done the pilot of New Amsterdam. And then I went to London, so I was going through that culture, and then went back to Mrs. Wilson, and then this is something. This is an international film, according to me, Accidental Prime Minister. It can be compared to any film anywhere in the world, and it will stand on the top. Unfortunately, in our country, we look at it from the prism of political this thing, etc., etc. When we make Lincoln, we don't ask the main actor, कि तू कौन सी पार्टी का, कंजर्वेटिव पार्टी का है या तू डेमोक्रेटिक पार्टी का है या तू किस पार्टी का है, या तुमने जब रोल करते समय, जब लिंकन में या किसी और फिल्म में किसी ने रोल किया, तो वी डोंट आस्क दिस क्वेश्चन. वी सेड वाओ व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. वी डोंट लुक एट इट. सो आई डोंट थिंक वी शुड लुक एट इट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स रिस्पेक्ट द आर्ट एंड लेट्स लीव द इंटरप्रिटेशन टू द ऑडियंस. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. गड्ढा साहब इधर आपके सामने. गड्ढा साहब सबसे पहली बात तो ये है. Say it. I think what he's saying is let's leave the politics to the politicians. Yeah, I think we should treat it ourselves as an actors. हाँ जी गड्ढा साहब सबसे पहली बात तो ये कि ट्रेलर हमें बड़ा अच्छा लगा. थैंक यू इधर आपके सामने राइट साइड में. हाँ जी थैंक यू. ट्रेलर बड़ा अच्छा बनाया आपने, फिल्म अच्छी बनाई है. इस फिल्म से आपके टू व्हाट एक्सटेंट आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं? सेकेंडली अनुपम खेर से साहब का रिएक्शन क्या था जब इनको आपने पहली बार कन्विंस किया रोल के लिए, क्योंकि बीजेपी के खास. इसका आंसर मुझे लगता है विजय जी को देना चाहिए. व्हाट सॉरी आई डिडंट गेट द क्वेश्चन. एक्सपेक्टेशन मतलब कितना माल बनाएगी? नहीं हमने तो बना लिया, डोंट वरी. हम बिफोर रिलीज हमारे पैसे बना लेते. दो लोग एक मैं ये बैठे हैं, इसके राइटर ये, हालांकि इनको मंच पर बैठने का बोला नहीं गया मगर इनका बहुत बड़ा हाथ है इस फिल्म को. मयंक एक बार खड़े होकर अपनी शक्ल दिखाओ प्लीज. इन्होंने कमाल का काम किया है, कमाल का नाम लिखा है. हमारे को प्रोड्यूसर अशोक पंडित जी हैं, इन्होंने कमाल का. आप कहेंगे ये भी झंडा लेके खड़े हो जाते हैं मगर ये एक्सपेक्टेशन है जी. हमें लगता है बहुत बड़ी हिट होगी ये फिल्म. और कुछ सर? एक सवाल सर सामने किधर से? फर्स्ट ऑफ ऑल अंकिता फ्रॉम रिपब्लिक. बहुत अच्छा ट्रेलर था सर, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस दिख रहा है आप सभी का. पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब आप इसके लिए प्रेप कर रहे थे, कौन सी वो चीज़ थी जो सबसे टफ थी थ्रू आउट द जर्नी जो आपको लगी? अनुपम जी आपसे. आई थिंक डॉक्टर मनमोहन सिंह इज अ बेसिकली अ शाय पर्सन. He is not a trained politician. He was an economist brought as the reserve
for the finance secretary and then the finance minister, and then he became the prime minister. And that's how he was the accidental prime minister. And I was very happy with his sense of humor. Recently, in one of the, at his book release, he said that he was not only an accidental prime minister, he was also an accidental finance minister. So I'm a very, I like to perform physically, means gesture istemal karte. Main Kiran se baat kar raha tha, to Kiran Chandigarh mein thi. तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ शूटिंग के लिए तो मुझे तो कहती है शी सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग डोंट एक्ट आउट लाइक मनमोहन सिंह बी मनमोहन सिंह डॉक्टर मनमोहन सिंह आई थिंक दैट वाज द बी वाज वेरी इंपॉर्टेंट बट वो बोलना आसान है उसमें कोऑर्डिनेशन है एक्टर की इफ़ यू नोटिस हिम हिज हैंड्स आर इन अ सर्टन मैनर लाइक समबडी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट ही इट्स वेरी ईजी टू बिकम द कैरेक्टर एज अ कैरिकेचर So I was always constantly running on, walking on a razor's edge. And we had a very dynamic director who was, he's a very good criticizer. Inko kya achha lagta hai, wo inko nazar aaye na aaye, magar kya achha nahi lagta, wo sabko nazar aata hai. So he was very, very difficult to please. And for a young man like him to sort of have this kind of a quality is phenomenal. But maine thaan liya tha ki is role ko to main टूट पड़ने वाला हूँ एंड एज आई सेड मैंने कभी मेडिटेशन की नहीं आई वॉज इन ए साइलेंट जोन नॉट मतलब नॉट दैट वे साइलेंट जोन बट आई वेंट इन साइड एंड दैट्स व्हाई इट वॉज डिफिकल्ट साथ ही एक क्वेश्चन और था आप दोनों से पहला कि आपने जब ये पूरी फिल्म की है और ये दोनों दो लैंग्वेजेज में बनी है फिल्म अच्छा इंग्लिश में भी बनी है और हिंदी में भी तो आप सब यूज टू डू द हिंदी वर्जन one shot and then we'll have to do the English version or somehow the equation sometime used to change phir angrezi mein pehla shot dete the phir hindi mein shot dete the so it's a very it was a very interesting process what we followed and every character is two language aur dub hui hai aur two languages mein aur dub hui hai telugu and tamil mein kyunki wahan politics ki picture bahut chalti hai ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है इन्होंने अपना माइंड पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर लिया है जो सब्जेक्ट आपने चुना है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है मतलब नॉट मिस्टर मनमोहन सिंह बट हिज जर्नी ऑफ कोर्स इट इज बट दोस वर द कंट्रोवर्शियल एरा लेट्स नॉट रन अवे फ्रॉम इट दिस इज दिस फिल्म अकॉर्डिंग टू मी व्हाटएवर द फेट ऑफ द फिल्म विल बी वेदर इट डज वेल और नॉट डज इट विल डू वेरी वेल सर कंपनी मैं इट विल डू वेरी वेल कर चुकी है बट दिस फिल्म is a game changer in Indian political cinema film making this will be a we have been able to take the names of the people we have gone first time into the PMO you have seen movies for White House inside etc this is the first time you don't have fake aliases fakenessness you don't have you yeah. have real people real offices real etiquettes real kind of a thing there is everything the art department has done a great job the costume department has done a great job so let's be proud of this film all of us definitely all right. my question was ki post the release kahin na kahin kafi sare virodh ya fir controversies arise ho sakti hain un cheezon ke liye aap kaise prepare kar rahe ho sakta hai you know congress virodh kare is cheez ko lekar ke kaise aapne prep hamare do officers yahan baithe hue hain hum pehle se lekar aaye nahi I don't think we will worry about that thank you sir aap aaye officers baithe hain nahi I don't You see, let's not anticipate it. That's why I said that people who are sitting here have made a film, and we also know that what you are asking is a very genuine question. But बहुत कुछ हो रहा है देश में ये भी हो जाएगा. Picture अच्छी है. Someone had to start, na? We never had good political films. Maybe it's 2018 we started. Maybe next 5 years, 2 years, someone would have started. So we are the first one. That's it. Hi, ma'am. If you could just use the mic, and this will be the last question. Hi. No. Hi, okay. Rahul here from the Filmi Chacha. Last question. Can I have some water, please? Hello. My question. I was going to show them yesterday. Because I told you, son. My mother is an internet sensation, automatically. But so, उनका discussion चल रहा होगा मेरे भाई ने दिखाया होगा उनको poster. तो मैंने उनको दिखाया तो कहती है फिर तो कश्मीरी में उन्होंने कहा
whatever she said. Panditji, kya bola tha Kashmiri mein? Mara tha. Balai lagai something. So, which is, oh my God. No, she did not. And I think that was the best compliment I could have got. That my mother did not know that it was me or Dr. Manmohan Singh. But that is, I think a lot of people have come together to bring that kind of a change. I think our makeup department has done a brilliant job with everybody. With everybody. Whether it was playing Atal ji, whether it was Advani ji, whether it was Sonia Gandhi, Rahul, Priyanka, everybody.